गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेक्चर वीडियो ऑफ चैप्टर 13, इंडिया ओवर द एजेस। इसमें हम लोग इंडिया के, भारत के अलग अलग युगों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम अपने इतिहास को जानेंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स। हमारे इतिहास को 3 पीरियड में बांटा गया है, एक एंशियंट पीरियड, द मीडियवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड। ये एंशियंट पीरियड यानी कि प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल, और ये मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन काल, और ये मॉडर्न पीरियड जिसमें कि नवीन इतिहास पढ़ा जाता है। ड्यूरिंग ईच ऑफ दीज पीरियड्स इंडिया हैड डिफरेंट इनहैबिटेंट्स एंड डिफरेंट रूलर्स टू। सम ऑफ देम केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सेटल्ड इन इंडिया। लेट अस स्टडी ईच पीरियड ब्रीफली। और हर एक पीरियड में यहाँ के शासक अलग थे, यहाँ का इनहैबिटेंट्स अलग था, और जो यहाँ के शासक बने वो कहीं और से आकर, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से आकर हमारे इंडिया में रह गए, बस गए। तो हम लोग इसके बारे में ब्रीफली जानेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंशियंट पीरियड के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में, प्राचीन काल, इतिहास के प्राचीन के काल के बारे में जानते हैं। द एंशियंट पीरियड सॉ द राइज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द कमिंग ऑफ द इंडो आर्यंस एंड द राइज ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया। दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाई द यूज ऑफ आयरन। और प्राचीन भारत जहाँ की इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय होता है, और ये इंडो आर्यंस के आने के बाद स्टार्ट होता है, और इस युग को आयरन युग कहा जाता है, द आयरन एज ऑफ इंडिया। अब हम लोग द आयरन एज ऑफ इंडिया के बारे में जाने। तो द एंशियंट पीरियड इन इंडिया बिगिन विद द फर्स्ट ग्रेट सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहते हैं कि एंशियंट पीरियड इंडिया का ये तब स्टार्ट होता है जब सबसे पहला सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, जो कि है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन बिगन द वैदिक पीरियड। और इस सिविलाइजेशन के अंत के बाद वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। कौन सा वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग दिस पीरियड अ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग 1500 BCE। और इस युग में लोग आते हैं कहाँ से? तो सेंट्रल एशिया से, और वो समय था 1500 BCE, ठीक है, ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व लोग मध्य एशिया से आकर भारत पर शासन करते हैं। ये वैदिक पीरियड है, ठीक है। तो दे वेयर कॉल्ड द इंडो आर्यंस, और इसे इंडो आर्यंस कहा जाता है, एंड दे स्पोक संस्कृत। और इंडो आर्यंस कौन सी भाषा बोलते हैं? संस्कृत बोलते थे। द इंडो आर्यंस लर्नड द यूज ऑफ आयरन एंड बिगिन मेकिंग टूल्स। इंडो आर्यंस ने सीखा कि आयरन का उपयोग करना और उसका औजार बनाना। दे डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, और वे लोग घोड़े को पालतू बनाए, यानी कि घोड़ा का पालन करना स्टार्ट किए। हम लोग फैक्ट क्वेस्ट में कुछ देखें, इसमें क्या है? द इंडो आर्यंस वेयर द फर्स्ट पीपल टू यूज द हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन इंडिया। और इंडो आर्यंस पहले थे जिन्होंने कि घोड़े से चलने वाले रथ को भारत में चलाया। अब हम लोग आगे बढ़ें, तो वी कैन लर्न अबाउट द इंडो आर्यंस फ्रॉम द 4 वेदास एंड एपिक्स लाइक द रामायण एंड द महाभारत। द भगवद्गीता विच इज़ द सेक्रेटेड टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। और इंडो आर्यंस के बारे में हम लोग जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं 4 वेदों में। 4 वेदों के नाम तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या आप लोग बता सकते हो कि 4 वेदों के नाम क्या है? बिल्कुल, आप लोगों को, बहुतों को पता होगा। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये हमारे चार वेद हैं। और अगर हम इंडो आर्यंस के बारे में जानना चाहें तो हम इन चारों वेदों को पढ़कर जान सकते हैं। और हमारा जो हॉली बुक है हिंदूज का, ये भी हम लोग जानते हैं, रामायण और महाभारत दो बुक है, और भगवत गीता जो कि महाभारत का ही एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि श्री कृष्ण के उपदेश के बारे में पढ़ा जाता है। यहाँ पे फाइंड आउट में एक क्वेश्चन है, हु रोट द रामायणा, रामायण को किसने लिखा, आप लोग बता सकते हो कि रामायण को किसने लिखा। रामायण को लिखा वाल्मीकि ने, और एक रामायण है जो कि रामचरितमानस, जो जिसमें कि राम की कथा उसमें भी है, और उसके लेखक है तुलसीदास। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं राइज ऑफ द एम्पायर्स। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड 16 किंगडम्स एग्जिस्टेड इन इंडिया। 16 किंगडम, दीज वेयर स्मॉल ट्राइब्स और महाजनपदास विथ अ लीडर कॉल्ड राजन। और दीज वेयर, ये सभी क्या थे, तो छोटे छोटे ट्राइब्स से, ट्राइब्स मतलब क्या होता है, घुमंतु, जिसे कि महाजनपदा कहा जाता है और जिसके लीडर को राजन कहा जाता है। द नेम्स ऑफ सम महाजनपदास वेयर गंधार, कौशल, आंग, वंती, वजी, काशी एंड मगध। द रूलर्स ऑफ दीज स्मॉल किंगडम्स वेयर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर। और ये सभी जब इन लोगों का जब शासन था, ये सभी आपस में हमेशा युद्ध करते रहते थे। अपने युद्ध क्यों होता है, दो राजाओं के बीच, दो राज्यों के बीच युद्ध क्यों होता है, युद्ध होता है अपनी राज्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। दे वुड सीज लैंड एंड ट्राई टू एक्सपेंड देयर किंगडम। वे लोग युद्ध करके क्या करना चाहते थे, लैंड को सीज करना, यानी कि दूसरे राज्य के लैंड को अपने कब्जे में कर लेना और अपने राज्य को बढ़ाना। अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, तो सबसे पहले है मगध। मगध एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा, मगध को बहुत ही पावरफुल महाजनपद कहा जाता है। द मौर्यन एम्पायर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर टू रूल ओवर मगध। और मौर्यन साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य को मोस्ट पावरफुल, सबसे अधिक शक्तिशाली शासन माना जाता है मगध, जो कि जिसने कि मगध पर शासन किया। इट वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर हैं वो थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके साहस के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे एपिसोड्स टीवी पर भी प्ले होता है, और उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुतों ने इसके बारे में बहुत जाना भी होगा। और इसके जो गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिसका कि तीन नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्ता, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो उसके गुरु के साथ साथ उसके मंत्री भी थे और वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। एंड इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, और इसे इंडिया का फर्स्ट एम्पायर कहा जाता है। द मौर्यन किंग अशोका द ग्रेट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन किंग्स एंड द एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर हिज रूल। और मौर्यन किंग, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे, उसमें से अशोक, अशोका द ग्रेट, अशोक के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जो कि नॉन वायलेंस के खिलाफ थे, और वो थे, ही एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, जिन्होंने कि अहिंसा का पॉलिसी अपनाया। द अशोकन रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मौर्यन पीरियड। और अशोका ने जो रॉक पिलर बनवाए थे बहुत सारे, यानी कि मौर्यन अम्पायर के ड्यूरेशन में जितने पिलर बनवाए गए, या मंदिरों के या कोई स्तंभ है, तो उसमें पहले के जो महल सब बनाए जाते थे, पिलर बनाए जाते थे, उसमें बहुत सारे नक्काशी किए जाते थे, बहुत कुछ लिखवाया जाता था,
ये जो कि आगे आने वाले पीरियड, आगे आने वाले जो फ्यूचर में लोग उसे जाने, उसे समझे और उस युग को समझने में मदद करता था, वो उसमें जो खुदाई की जाती थी। यानी कि मौर्यन पीरियड के बारे में जानने के लिए अशोकन रॉक पिलर्स ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़े गुप्ता एम्पायर्स। द गुप्ता एम्पायर वॉज अनदर ग्रेट एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडिया। और पौराणिक इंडिया का एक गुप्ता एम्पायर, ये भी दूसरा एक ग्रेट एम्पायर है। द गुप्ता रूल इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया बाय सम स्कॉलर्स बिकॉज ऑफ द इमेंस डेवलपमेंट्स मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर, लैंग्वेज एंड एस्ट्रोनॉमी। और गुप्ता एम्पायर को इतिहास का सुनहरा युग कहा जाता है, इंडिया का सुनहरा युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे विकास हुए, डेवलपमेंट हुए। और डेवलपमेंट किन किन क्षेत्रों में हुआ था? साइंस में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, लैंग्वेज में और एस्ट्रोनॉमी में, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इसीलिए गुप्ता एम्पायर को भारत का सुनहरा युग कहा जाता है। Some of the historical monuments built during ancient period are the Khajuraho temple, the Ajanta and Ellora caves, the rock edicts of Ashoka, Sanchi stoop and the Mahabodhi temple. ये सभी जो पुराने monuments हैं, ये सभी उसके निशानी हैं और जो कि हमें पुराने इतिहास को जानने में हमारी मदद भी करता है और अभी भी एक इंडिया के शान हैं ये सब मॉन्यूमेंट्स। अब हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में जानेंगे, मिडिएवल पीरियड के बारे में जानेंगे। द मिडिएवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री बिगिन विद द अराइवल ऑफ द तुर्क्स हु इन्वेडेड इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड सम ऑफ द लॉन्गेस्ट किंगडम्स इन इंडियन हिस्ट्री। द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर आर द टू मेजर किंगडम्स ऑफ दिस पीरियड। मिडिएवल पीरियड यानी मध्यकालीन काल तब स्टार्ट होता है जब तुर्कीज आते हैं यहाँ इंडिया में और यहाँ सेटल हो जाते हैं। और इन लोगों का जो किंगडम था ये काफ़ी बड़ा था और इसके दो इम्पॉर्टेंट किंगडम हैं, एक दिल्ली सल्तनत है और दूसरा मुग़ल एम्पायर। और मुग़ल एम्पायर से तो आप लोग सभी वाकिफ़ होंगे, जैसे कि अकबर, बीरबल, बाबर, इन सब की कहानी जो पढ़ते हो ये सभी मुग़ल एम्पायर से ही संबंधित है। फाइव पावरफुल डायनेस्टीज दैट रूल्ड दिल्ली आर टुगेदर रेफर्ड टू एज दिल्ली सल्तनत। पाँच शक्तिशाली डायनेस्टीज थे जो कि दिल्ली पर शासन किए साथ साथ, जिन्हें कि दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और वे डायनेस्टी थे, कौन कौन सा था? मामलुक डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी। ये पांचों मिलकर दिल्ली सल्तनत का निर्माण करते हैं। अब हम लोग जाने मुग़ल एम्पायर के बारे में जानेंगे। द मुग़ल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबर हु केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और मुग़ल एम्पायर ये इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और ये कहाँ से आए थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे। सम ऑफ द नोटेबल रूलर्स ऑफ द मुग़ल पीरियड वेयर अकबर, शाहजहाँ एंड औरंगजेब। अकबर के बारे में भी बहुत किस्से सुने होंगे आप लोगों ने, शाहजहाँ जिन्होंने कि ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, और औरंगजेब, ये इन सब के नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। सॉरी, द मुगल्स वेयर नोन फॉर देयर लव फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और मुग़ल को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वे लोग आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत प्रेमी थे, कला के बहुत प्रेमी थे। सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स बिल्ट, और कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स बनाए गए उनके काल में, उसके बारे में जानेंगे। ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड आर द ताजमहल, रेड फोर्ट, शालीमार गार्डन्स, द जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी एंड बुलंद
दरवाज़ा, ये सभी मुग़ल काल में बनाए गए। इसे आज भी हम सब देख सकते हैं। इन द साउथ द विजयनगर एम्पायर वॉज मोस्ट पावरफुल। और साउथ की बात करें तो विजयनगर एम्पायर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और कृष्णदेव राय वॉज द मोस्ट रिमार्केबल रूलर ऑफ दिस एम्पायर। और वहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस जाने माने जो राजा थे वो थे कौन? कृष्णदेव राय। सेवरल मॉन्यूमेंट्स नियर हम्पी कर्नाटका वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर एंड सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्पायर। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड, इतिहास के नवीन काल के बारे में, नए इतिहास के बारे में जानेंगे। ये तब स्टार्ट होता है जब अंग्रेजी शासन स्टार्ट होता है। द मॉडर्न पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश टू इंडिया। द ब्रिटिश रूल, अब हम लोग ब्रिटिश रूल के बारे में जानें। द ब्रिटिश बिगिन देयर जर्नी इन इंडिया एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी विच इवेंचुअली टोक कंट्रोल ऑफ द कंट्री। जब ब्रिटिश यहाँ आए थे भारत में, उन्होंने अपना यात्रा स्टार्ट किया है, जर्नी अपने बिजनेस से, है ना, अपने छोटे से बिजनेस से। उन्होंने यहाँ बिजनेस के पर्पज़ से एक कंपनी स्थापित किया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी कंपनी के थ्रू उन्होंने पूरे कंट्री पर अपना अधिकार जमा लिया, अपना कंट्रोल जमा लिया। और द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर 200 ईयर्स। लगभग 200 साल तक ब्रिटिश ने भारत पर अपना शासन किया। एडमायरेबल लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक एंड मेनी अदर्स फाउंड हार्ड टू गेट इंडिया इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। और आज़ादी के लिए, यानी कि ब्रिटिश सरकार से छुटकारा पाने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे वीर पुरुष हुए जो कि बहुत लड़े आज़ादी के लिए, अपने जी जान लगा दिया, अपनी लाइफ का भी सेक्रीफाइस कर दिए उन्होंने। जैसे जिनका के नाम इनमें दिया हुआ है कुछ का, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, जैसे कि भगत सिंह, हम लोग जानते हैं इसमें नाम लिखा हो या ना लिखा हो, हम लोग तो जानते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सभी ने भी अपनी जान की बलि चढ़ा दी देश को आज़ाद कराने के लिए। वी विल स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियड इन डिटेल इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर। द ब्रिटिश बिल्ड मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। और ब्रिटिश ने भी बहुत सारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स बनाए इंडिया में। सम ऑफ देम आर द विक्टोरिया मेमोरियल, द गेटवे ऑफ इंडिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड द मॉन्यूमेंट्स दैट सराउंड लैटिन्स दिल्ली लाइक इंडिया गेट एंड द राष्ट्रपति भवन। और ये सभी है जो विक्टोरिया मेमोरियल है, गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज है या छत्रपति शिवाजी, ये सभी जो है कि अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया है इंडिया में। तो हम लोग इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे अगले चैप्टर में, जैसे कि हमारे वीर पुरुषों के बारे में जानेंगे, हमारे क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे, अगले चैप्टर्स में ज़रूर पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग रिकॉल करें एक बार कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा। इसे पढ़ा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के इतिहास के बारे में। इसमें हम लोग तीन पीरियड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एक एनिशियंट पीरियड, मिडिएबल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। और एनिशियंट पीरियड के तीन पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो वैदिक पीरियड, राइज ऑफ महाजनपदास, राइज ऑफ अर्लीस्ट एम्पायर्स। और मिडिएबल पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा जब तुर्किस यहाँ आए, और दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर, और साउथ में जो था, जो बहुत ही पावरफुल किंगडम था वो कौन था? विजयनगर एम्पायर, इसके बारे में पढ़ा। और मॉडर्न पीरियड में हम लोगों ने अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।